तो देख सकते हैं यूनिक तरीका से दाल को घाटा जा रहा है और अभी मशरूम को दिए हैं गरम पानी में। सो फाइनली गाइस मेरा मशरूम बन चुका, बहुत ही टेस्टी बना। देखने के बाद आप लोगों को भी मन बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो गाइस देख सकते हैं कितना टेस्टी बना, देखने के बाद आप लोग का भी मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस तरह बनाने का, टेस्टी टेस्टी मशरूम खाइए। सो गाइस तो आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा, आज के लिए बाय।